फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज मॉल। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे जीके में इकोनॉमिक्स से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो स्टूडेंट एसएससी की तैयारी करते हैं, चाहे एमटीएस हो, सीएचएसएल हो या फिर सीजीएल हो, उसमें करीबन 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इकोनॉमिक्स के। तो उसके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसे टेस्ट भी लगा सकते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन को पॉज करके, और अपने आप को चेक कर सकते हैं आपका कितना मार्क्स आता है। तो चलिए इसमें लगाते हैं टेस्ट। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, कहता है कि मुद्रा स्फीति जो है उसका क्या कारण है। 4 ऑप्शन है कि वस्तु का मूल्य बढ़ता है, या मुद्रा का मूल्य गिरता है, या फिर इन दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ए और बी दोनों। जब मुद्रा स्फीति होती है तो इसका रीजन ये होता है कि वस्तु, जो भी चीजें हम खरीदते हैं, उसकी कीमत ना मूल्य बढ़ जाता है, लेकिन मुद्रा का मूल्य जो है घट जाता है, गिर जाता है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। यहाँ मैंने लिख दिया है कि मुद्रा के मूल्य या क्रय शक्ति का कम होना या कमजोर होना ही मुद्रा स्फीति कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कहता है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया, 100, 101, 102 या फिर 104। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 101वां संविधान संशोधन, इसी के तहत जीएसटी लागू किया गया। जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसे कि कहते हैं हम लोग वस्तु एवं सेवा कर, ये 1 जुलाई 2017 को ये लागू किया गया और यह एक अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि भारत में राष्ट्रीय आय का प्रथम अनुमान निम्न में से किसने लगाया था। 4 ऑप्शन इसमें भी दिए गए हैं, तो इसका आंसर आप देख लीजिए। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर डी, कि भारत में राष्ट्रीय आय का प्रथम अनुमान जो लगाया था, ये लगाया था दादा भाई नौरोजी ने। राष्ट्रीय आय का अनुमान प्रथम बार 1868 में दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक कौन सी, तो द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में भारत की राष्ट्रीय आय 340 करोड़ रुपया और प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताया गया। ओके, तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि राष्ट्रीय आय का प्रथम अनुमान जो लगाया दादा भाई नौरोजी ने, वह अपनी किस पुस्तक में इसका जो जिक्र किया, तो द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसके लेखक भी पूछे जा सकते हैं कि ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है कब से कब तक। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, यानी कि ये जो है वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कि किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, सबसे ज्यादा है प्रति व्यक्ति आय, तो आंसर हो जाएगा इसका गोवा, ऑप्शन नंबर डी, गोवा का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस राज्य का, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। उसमें क्या देखा हमने कि सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय किसका है, तो गोवा का। इसमें पूछा गया है कि प्रति व्यक्ति आय किस राज्य का सबसे कम है, तो आंसर हो जाएगा बिहार, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि योजना आयोग की अंतिम वर्ष की योजना निम्न में से कौन सी थी। योजना आयोग जो पहले चला था, जो कि अब नीति आयोग है, उसे हटा दिया गया है। तो योजना आयोग का अंतिम योजना जो था, अंतिम वर्ष जो चलाया गया था, वो कौन सी योजना थी, 11वीं, 12वीं, 13वीं या फिर 14वीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 12वीं, अंतिम योजना जो थी 12वीं पंचवर्षीय योजना। और इसका समय जो था ये भी पूछा जा सकता है आपसे, तो ये था 2012 से 2017 तक। इस योजना का केंद्र बिंदु था क्या, कि तीव्र धारणीय और अधिक समावेशी विकास। योजना आयोग के स्थान पर अब किसे लिया गया, नीति आयोग कार्य कर रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का स्थापना कब हुआ था, 1945, 1935, 1955 या फिर 1975, तो आंसर हो जाएगा 1935। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है जो मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है। आरबीआई, यहाँ पे सॉरी आरबीआई होगा, आरबीआई की स्थापना
हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों पर 1 अप्रैल 1935 में हुआ था, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, तो मुंबई। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कहता है कि राष्ट्रीय आय क्या है, नेशनल इनकम क्या है। तो ये इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप सारे ऑप्शन को पहले पढ़ लें फिर आंसर करें। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि यह जो है एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य है। और इसमें देखिए सेकंड में 5 वर्ष दे दिया गया है, इसमें फिर दिया गया है कि एक वर्ष में देश से बाहर उत्पादित धन मूल्य नहीं, या एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सब जितने भी वस्तुएं उत्पादित होती है और सेवाएं होती है उनका धन मूल्य ही कहलाता है क्या हमारा राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कहता है कि शहरी क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है। 4 ऑप्शन इसमें भी हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षित बेरोजगारी। शहरी क्षेत्र में ज्यादातर शिक्षित बेरोजगारी देखने को हमें मिलती है। एक होता है मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी में क्या आते हैं, जैसे कि कुछ मौसमी मतलब कि मौसम के अनुसार से डिपेंड जितने भी उद्योग कह लीजिए या फिर बहुत सारे काम, जैसे कि मान लिया जाए एग्जाम्पल ले सकते हैं आपकी आइसक्रीम बेचने वाले को, तो उनकी बिक्री ना गर्मी के दिनों में होती है लेकिन ठंडे के दिनों में उनकी जो भी कार्य है वो बिल्कुल ठप पड़ जाते हैं। फिर और भी इसी तरह के बहुत से मौसमी बेरोजगारी होते हैं, जैसे कि कृषि से संबंधित भी ऐसे कुछ एग्जाम्पल देखने को आपको मिल सकते हैं। और शहरी क्षेत्र में जो ज्यादातर बेरोजगारी होती है वो होती है शिक्षित बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डेयरी किस आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो डेयरी जो है ये आता है आपका प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। इसमें तीनों समझ लीजिए कि अर्थव्यवस्था को 3 श्रेणी में बांटा गया है, एक प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर और तृतीयक सेक्टर। अब देखिए इसमें प्राइमरी में जो आता है वो होता है कृषि, इसमें कृषि से संबंधित। इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे कि वानिकी, मत्स्य पालन या फिर पशुपालन, खनन एवं उत्खनन, ये सारी चीजें जो आती है वो आती है प्राथमिक सेक्टर में। द्वितीयक में क्या क्या आती है, औद्योगिक। औद्योगिक का मतलब जैसे कि विनिर्माण, निर्माण, गैस, जल, विद्युत आपूर्ति, ये सारे आते हैं द्वितीयक में। तृतीयक में आता है सेवा। अब से भी पूछा जाता है, बहुत बार पूछा भी गया एग्जाम में कि सेवा जो है किससे संबंधित है, तो ये तृतीयक सेक्टर से, जिसमें क्या जाता है आपका व्यापार, होटल, रेस्टोरेंट, आपका परिवहन, संचार, बैंकिंग, चिकित्सा, ये सारी की सारी चीजें आती है तृतीयक सेक्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहता है कि आयात पर कर यानी कि टैक्स निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, विदेशी व्यापार, भूमंडलीकरण या फिर व्यापार अवरोध या फिर आर्थिक विकास। तो आयात पर जो कर लगाया जाता है वो एग्जाम्पल है व्यापार अवरोध का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। अभी जस्ट मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया है आपको प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक और तृतीयक के बारे में। तो सेवा कर जो है, सेवा क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है, तो वो आता है तृतीयक सेक्टर के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल जो दिया गया है वो है कि RBI के 15वें गवर्नर निम्नलिखित में से कौन थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन है, रघुराम राजन, मनमोहन सिंह, CD देशमुख या फिर अमिताभ घोष। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मनमोहन सिंह। RBI के 15वें गवर्नर जो थे वो थे मनमोहन सिंह। भारत में RBI के वर्तमान गवर्नर जो है वो है शक्तिकांत दास और ये है 25वें। इसके पहले उर्जित पटेल थे जो कि 24वें और रघुराम राजन वो थे 23वें। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि घरेलू स्तर पर लेन देन के लिए प्रयोग की जाने वाली मुद्रा को क्या कहा जाता है, गर्म मुद्रा, संकीर्ण मुद्रा, नरम मुद्रा या फिर कठोर मुद्रा। ये कठोर होगा, कठोर मुद्रा। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा नरम मुद्रा, ऑप्शन नंबर सी, कि घरेलू स्तर पर जो लेन देन के लिए प्रयोग किया जाने वाला जो मुद्रा है वो कहलाता है हमारा नरम मुद्रा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि भारत का पहला बैंक निम्नलिखित में से कौन सा था, भारत का सबसे पहला बैंक। तो इसका आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन नंबर डी। BSE जो है एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और इसकी स्थापना जो हुई थी 1875 में हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि भारत का पहला वित्त मंत्री निम्नलिखित में से कौन था? दादा भाई नौरोजी, लियाकत अली, सीडी देशमुख या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा लियाकत अली। भारत का पहला वित्त मंत्री जो थे वो थे लियाकत अली। और अभी भारत की अगर प्रथम महिला वित्त मंत्री के बारे में पूछे तो उसका आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमन। क्वेश्चन है कि वह बाजार जहां सरकारी एवं गैर सरकारी प्रतिभूतियों का लेन देन किया जाता है वो क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा उसका शेयर बाजार, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है इसमें कि कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? कोयला, पेट्रोलियम या फिर कच्चे तेल का उत्पादन या फिर कॉफी या उर्वरक से? तो कृष्ण क्रांति का संबंध हो जाएगा पेट्रोलियम से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 2014, ऑप्शन नंबर ए। सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि GST यानी कि वस्तु एवं सेवा कर जो है कैसा कर है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष या दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कहता है पिछले देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया था? रोलिंग प्लान का सुझाव जो है किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा गुन्नार मिंडल। रोलिंग प्लान जो है यानी कि अनवरत योजना का प्रतिपादन गुन्नार मिडल किया, इनके द्वारा कौन सी पुस्तक? तो इनकी अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में किया गया था। भारत में रोलिंग प्लान लागू करने का श्रेय DT लकड़ावाला को जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि आर्थिक नियोजन एक विषय है संवर्ती सूची में, राज्य सूची, संघ सूची या फिर किसी भी सूची में निर्देशित नहीं है? तो आर्थिक नियोजन ये जो है एक कैसी संवर्ती सूची में? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि आर्थिक नियोजन एक विषय है जो कि संवर्ती सूची में है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेवा कर, सीमा शुल्क, केंद्रीय व्यापार कर, केंद्रीय बिक्री, ये कर कैसा कर है? सेवा कर, सीमा शुल्क, केंद्रीय व्यापार कर और केंद्रीय बिक्री कर, ये सारे के सारे कैसा कर है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष या दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा कि ये सभी जितने भी प्रकार के टैक्सेस हैं ये सारे के सारे प्रत्यक्ष कर हैं, ऑप्शन नंबर ए। अप्रत्यक्ष कर जो है यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स, ये किसे कहते हैं? तो वैसा कर जिसका कि करापात एवं कराघात दो अलग अलग व्यक्तियों पर पड़ता है उसे कहते हैं हम लोग अप्रत्यक्ष कर। तो ये थे इसके 25 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से संबंधित जो कि आपके SSC एग्जाम में बहुत ही काम आ सकते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक जरूर करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। धन्यवाद।